तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बस मैं अभी नहा के आई हूँ और अभी ये रेड कलर की नेल पेंट भी लगाई है। तो चूड़ियाँ तो ना, ये चूड़ियाँ जो हैं वही वाली पहनी हैं जो पहन के आई थी मैं वहाँ से, और ये ग्रीन कलर का सूट पहन रखा है। तो ये वाले सूट वही हैं जो मैंने पहले आपको दिखाए थे कि सिलने के लिए गए हुए हैं। तो अब सिल के आ चुके हैं, सारे सूट आ गए सिल के, ब्लाउज भी आ गए और सूट भी आ गए। तो बस अभी नहा के मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, नहाई हूँ, पूजा करने जाऊँगी और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से, आपको पता है हमारे यहाँ लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, तो किस तरीके से की जाती है मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए पहले मंदिर इस कमरे में नहीं है, उधर है, तो वहीं चलना पड़ेगा, तो चलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे मंदिर साफ़ करने और पूजा करने के लिए। तो आज मैंने मंदिर भी साफ़ कर दिया था और आप बताया मैंने लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। तो मतलब जैसे डेली के जो दिन होते हैं ना उनमें तो नॉर्मली ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, तो जो डेली पूजा होती है वो तो नॉर्मली की जाती है, बस सुबह को लड्डू गोपाल को नहलाया जाता है और उसके बाद कपड़े वगैरह पहना दिए जाते हैं। तो लेकिन जब कोई जैसे फेस्टिव वगैरह पड़ता है ना, जैसे जन्माष्टमी हुई या फिर दिवाली हुई, तो थोड़ा अलग तरीके से पूजा की जाती है। जैसे जन्माष्टमी पे इनके जो भोग होते हैं वो बनाए जाते हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो नॉर्मल डे मैं जो आप बता रही हूँ यहाँ पे बस नॉर्मल डे क्या ही दिखा रही हूँ आज, तो नॉर्मल डे में किस तरीके से पूजा की जाती है। तो मैं मंदिर भी साफ़ कर दूँगी अभी। तो मंदिर पे मैंने इस पे नीचे रखने के लिए मैंने वो मंगाई थी, शीट मंगा ली थी बाहर से, ये रेड कलर की, तो इसे यहाँ बिछा दूँगी। और बेड पे ना मम्मी लेटी हैं वो। तो आपके यहाँ भी बताइएगा किस किस के यहाँ लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने सारे जो भगवान जी हैं मंदिर में वो एक प्लेट में रख लिए थे ला के। तो बस अभी यहाँ पे मंदिर साफ़ कर दूँगी और ये कपड़ा भगवान जी का जो भी सामान होता है उसका तो सारा कपड़ा वगैरह सब अलग ही होता है ना, सभी का अलग होता है, तो वही है हमारे यहाँ भी। तो यहाँ मैंने सारा ये भगवान जी को जितने भी हैं सब प्लेट में रख दिए थे और सोचा मंदिर भी साफ़ कर देती हूँ। और नरोरा में तो हमारे मतलब मैंने अभी मंदिर वगैरह नहीं ले, तो यहाँ पे मैंने दो शीट मंगाई थी, तो अभी एक ही शीट लगा दूँगी यहाँ पे इसको मोड़ के। तो ये दो शीट हैं, एक मैंने रख दी है, एक मैं मम्मी से यही बोल रही हूँ मम्मी बाद में काम आ जाएगी, एक रख देते हैं, या फिर मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना डबल ही लगा देती हूँ मंदिर में या फिर कहीं भी डबल लगा देती हूँ, पर अभी यहाँ पे सिंगल लगा दी है और एक मैंने रख दी है। तो जब भी मैं आती हूँ ना तो पूजा वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बहुत दिन बाद आती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी सेवा करने का मौका मुझे भी मिल जाए लड्डू गोपाल जी का। तो वैसे तो पापा ना सुबह को पूजा कर जाते हैं यहाँ पे, तो मेरा पूजा का काम जब मॉर्निंग में मम्मी पापा ही कर देते हैं, तो मैं फिर बाद में नहीं करती, या शाम को कर देती हूँ। तो हम मेरी ससुराल में ना जब से मतलब मेरी शादी के बाद आई थी तभी से ही मैंने पूजा, मम्मी पापा तो जब से पहले से ही करते होंगे, तो मैंने यहीं देखा है, मेरे मायके में नहीं की जाती है। मेरे मायके में अधिकतर भोले शंकर जी की पूजा की जाती है, तो भगवान तो सब एक ही हैं, बस नाम ही अलग अलग हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ये मंदिर वगैरह सब साफ़ कर दिया था, बस यहाँ पे अभी ये जो मेरी सारी भगवान जी की तस्वीरें उन्हें, और अभी हाँ जी अभी आके बैठ गई है, उसे ज़्यादा लगी रहती है मम्मी क्या करेंगे, तब भी मैं पूजा करती हूँ ना, पूजा का टाइम वो मिस नहीं करती है, तुरंत भाग के आ जाती है, मतलब घंटी सुन के आ जाती है कि मम्मी पूजा कर रही हैं, मैं भी चल रही हूँ। तो यहाँ पे बस अभी सारा ये जो भी है सामान मैंने रख दिया है निकाल के। तो डेली जो है कि नहलाने के बाद नए कपड़े पहनाना होता है, और नए कपड़ों में बहुत सारे मम्मी ने यहाँ पे ड्रेस रख रखी हैं, तो बहुत ही प्यारी प्यारी सी ड्रेस है इनकी। और ये चूड़ियाँ उतार रही हूँ अभी मैं इनों की, क्योंकि हाथ में इनों की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और कानों में कुंडल वगैरह भी पहनाते हैं, तो पायल भी पहनाते हैं, और बहुत सारी मतलब इनकी वो रहता है सामान पहनाने वाला भी। तो अभी यहाँ पे बस इनको नहला दूँगी। तो ये मैं जो आज बता रही हूँ ये हमारे डेली का है कि डेली नॉर्मल डे में इसी तरीके से पूजा होगी। तो बस यहाँ पे अभी नहला दिया है मैंने, और मैंने नरोरा में लड्डू गोपाल जो है ना वो रख नहीं रखे हैं, तो मैं वहाँ सोच रही हूँ कि मैं रख लेती हूँ, क्योंकि तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया है, और नहलाने के बाद दूसरे कपड़े भी पहना दिए हैं, पिंक कलर की ड्रेस पहना दी है। तो लड्डू गोपाल हर ड्रेस में बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे कोई सी भी ड्रेस पहना दो आप, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस आती है मार्केट में, और घर पे भी बनाए, तो मम्मी ने ना घर पे भी काफ़ी सारी बना रखी हैं और मार्केट की भी हैं बहुत सी ड्रेसें,
तो बस यहाँ पे ये जो पूजा के बर्तन है ना, इन्हें साफ़ कर रही हूँ। और अभी ये टोकरी में जो कपड़े रखे हैं, इन्हें भी साइड में रख दिया है मैंने। तो मंदिर वगैरह तो मेरा सब साफ़ हो गया है, बस अभी पूजा करनी है। तो पूजा में अभी ये तिल का तेल यूज़ करते हैं हम। और नरौरा में तो मैंने ना अभी लड्डू गोपाल नहीं रख रखे हैं, क्योंकि क्योंकि इनकी पूजा करना थोड़ी टफ सी लगती है। तो मैं कोशिश करूँगी, मैं ज़रूर रखूँगी इस बार, सोच रही हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि रख लेती हूँ, तो देखती हूँ अब रखूँगी। और अभी यहाँ पे मैं इनको लगा रही हूँ लिपस्टिक, और टीका लगा दिया है। तो वो भी मम्मी ने सामान रख रखा है इनका, लिपस्टिक वगैरह लगाने का, टीका करने का। तो यहाँ पे ये काजल लगा रही हूँ मैं इनको अभी। तो ये आईलाइनर वाला जो होता है ना, मार्केट से मिलता है, वही वाला काजल है। और पूजा वगैरह यहाँ पे हो गई है। और ये कटोरी में तुलसी और चीनी रखती हैं मम्मी, रखती हैं, तो वही मैंने सब रख दिया है। और ये दूध है इनकी, जो छोटी सी ये ग्लास टाइप का है, इसमें दूध रखते हैं। तो आप बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। बस बिल्कुल तैयार हो गए हैं, पूजा वगैरह सब हो गई है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।